कुछ प्रॉब्लम चल रही है भाई। हाँ, वेव मतलब प्रोपेगेशन ऑफ पीरियोडिक डिस्टरबेंस, तो कुछ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन। एक्चुअली तो प्रॉपर्टी ऑफ वेव मोशन है, लेकिन हम सिंपली इसे प्रॉपर्टी ऑफ वेव भी कह देते हैं, सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ वेव। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, क्या जो भी आपका डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, डिस्टरबेंस, दिस डिस्टरबेंस मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। मीडियम में हमेशा डिस्टरबेंस सोर्स से दूर की तरफ को ही चलेगा, टूवर्ड्स द सोर्स कभी भी नहीं चल सकता, टूवर्ड्स द सोर्स कभी नहीं चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपने यहाँ पल्स क्रिएट किया, डिस्टरबेंस क्रिएट किया, जहाँ ये आपका जो खुला सिरा है, खुले सिरे पर जो आपने हाथ से पकड़ा हुआ है, दिस इज द सोर्स, यहाँ आपका सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है आपके हाथ में। अब ये जो सोर्स डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं आप इस रस्सी के अंदर, इस मीडियम के अंदर जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये सोर्स हमेशा, ये डिस्टरबेंस हमेशा आपके सोर्स से दूर की तरफ ही चलेगा, कभी भी कोई भी वेव वापस सोर्स की तरफ नहीं आती, सोर्स से निकलकर दूर की तरफ जाएगी हमेशा, वेव सोर्स की तरफ वापस कभी नहीं आएगी, सोर्स से दूर की तरफ ही चलेगी हमेशा हमेशा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी वेव की है कि जो भी डिस्टरबेंस आपने क्रिएट किया है, इट ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। सिंपल सी बात है, डिस्टरबेंस नहीं, हम ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे वेव ऑलवेज मूव अवे अवे फ्रॉम द सोर्स, हमेशा सोर्स से दूर की तरफ को मूव करती है वेव, कभी भी सोर्स की तरफ को वेव मूव नहीं करेगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12th क्लास में एक जगह इसका यूज होगा, वहां आप कहोगे जी आपने ये क्यों नहीं लिया, फिर मैं आपको कहूंगा कि जी देखो 11th क्लास में वहां हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी, ऑलवेज अवे, मूव ऑलवेज अवे फ्रॉम द सोर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ओनली एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह केवल केवल एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मीडियम का, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता, मटेरियल इज नॉट ट्रांसफर्ड, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता। सिंपल सी बात है, ये बड़ा आसान है इसे समझना, बड़ा आसान है इस चीज को समझना, क्या कि आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट है आपके घर पर, आपके घर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप कहते हैं टेबल फैन, टेबल फैन या सीलिंग फैन, है ना, दोनों एक ही बात है, फैन। इसका क्या है, ये आपने टेबल फैन लगाया, यहाँ 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 ऐसे रखा था टेबल फैन, आपने इसे ऑन करा और यहाँ से आपको क्या मिला, आपको मिला ब्लो ऑफ एयर, एयर का मोशन मिला। मीन्स एयर क्या है, एयर का मीनिंग है मेटीरियल, तो इसने क्या करा, इसने फ्लो बना दिया, फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ मटेरियल। पंखे से हवा चलकर आप तक पहुंची, आप यहां बैठे हो तो पंखे से हवा चलकर आप तक पहुंची, एक्चुअल में मटेरियल का ट्रांसफर कर रहा है कौन, ये फैन जो भी है आपका। दूसरा आपके घर में सिस्टम है जिसे आप बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं होम थिएटर, जिसे आप बोलते हैं कॉलम, एक्चुअली ये साउंड कॉलम्स होते हैं जो आपके सामने, जब आप, हम ऊपर क्लास में लेते हैं, हॉल में लेते हैं, तो वहां जो वो कॉलम रखे हैं साउंड कॉलम है। अब ये क्या काम कर रहा है, इसके अंदर एक स्पीकर लगा हुआ है, एक या दो ज्यादा स्पीकर लगे हुए होते हैं, ये स्पीकर लगा हुआ है इसके अंदर, ये पूरा बंद हो गया आपका साउंड कॉलम, यहाँ से क्या निकाल रहा है,
ये निकाल रहा है साउंड, ये साउंड निकाल रहा है। तो जब आप इसके सामने बैठे हुए हैं तो क्या आपको हवा का झोंका, ब्लो ऑफ एयर, ब्लो ऑफ एयर फील होता है क्या? अरे नहीं, कैसे हो जाएगा भाई, ये पंखे की तरह थोड़ी ना काम कर देगा स्पीकर, चाहे कितनी तेज बज रहा हो, कितनी आवाज निकाल रहा हो, ये पंखे की तरह थोड़ी ना काम कर देगा। ये एयर को आप तक नहीं पहुंचा रहा, ये किसको पहुंचा रहा है? ये इस स्पीकर से निकल करके ओनली साउंड एनर्जी, ओनली साउंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो रहा। मीडियम कौन है यहाँ? यहाँ मीडियम है इस एनर्जी को चलने के लिए एयर, एयर में चल करके ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है, लेकिन एयर इज नॉट ट्रांसफर्ड, एयर इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनली एनर्जी थ्रू एयर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर ऑब्जर्वर, जो भी है ये। तो वेव मोशन की दूसरी प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, मटेरियल इज नॉट ट्रांसफर्ड, मटेरियल इज नॉट ट्रांसफर्ड, एनर्जी का ट्रांसफर होता, मटेरियल का ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। प्रोबेबली ये बात क्लियर हुई सबको, समझ लेते हैं। कहीं पर पानी भरा हुआ है, कहीं पर आपके गड्ढे में तालाब में पानी भरा है, ठीक है, ये मैं वाटर की सरफेस बना रहा हूँ, ये मैं वाटर की सरफेस यहाँ बना रहा हूँ, पानी पानी भरा हुआ, ऊपर से देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पर एक कोई कोई घास का एक तिनका, ऐसा सा उल्टा सीधा था, एक घास का तिनका यहाँ तैर रहा था, ठीक है। आपने क्या काम करा? आपने यहाँ एक पत्थर दे के मारा, इस पानी में एक पत्थर मार दिया, पत्थर फेंक दिया इसके अंदर। तो पत्थर जब आपने फेंका तो एक्चुअली आपने इस पानी के अंदर क्या क्रिएट कर दिया? आपने एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, है ना, पीरियडिक, पीरियडिक तो नहीं है, एक पर्पस आपने क्रिएट कर दिया। और फिर आप देखते हैं कि वो जो डिस्टरबेंस है वो ऐसे ऐसे गोल घेरा बना करके आगे बढ़ता है। ये क्या चीज है? इसे आप बोलते हैं क्या बोलेंगे, इसे आप लहरें सी बन जाती है इसके अंदर, है ना, ये मूव करता है, ये मूव कर रहा है, किसका डिस्टरबेंस क्या करता है? मूव्स। तो अब ये डिस्टरबेंस जब यहाँ इस तिनके पर पहुंचता है, ध्यान देना कभी कि ऐसा नहीं है कि ये तिनका जो पड़ा हुआ था ये इसके साथ साथ आगे चलने लगेगा, ये तिनका यही अपनी जगह पर जहाँ है वहां थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, जब ये पल्स बाहर निकल जाएगी यहाँ शांत हो जाएगा पीछे से, तो तिनका अपनी जगह, ऐसा नहीं है कि ये आगे बढ़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जहाँ आपने पत्थर फेंका फेंका वहां से लेकर तिनके तक, यहाँ से लेकर तिनके तक केवल डिस्टरबेंस ट्रांसफर हुआ है, केवल एनर्जी ट्रांसफर हुई है। एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुई? कि पत्थर मारकर एनर्जी तो आपने यहां दी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद, एक सेकंड बाद में ये भी हिलने लगा अपनी जगह पर, तो जहां एक जगह आपने एनर्जी दी थी वहां से एनर्जी पहुंच गई दूसरी जगह तक, जगह तक। तो ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग वेव मोशन, वेव प्रोपेगेशन में केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ओनली एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड, मटेरियल मीडियम इज नॉट ट्रांसफर, मटेरियल का मतलब मीडियम, जिस मीडियम में ये वेव चल रही है, मीडियम इज नॉट ट्रांसफर, मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है जी। सेकेंड थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कितनी स्पीड से ये मीडियम में आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ वेव डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा ये केवल केवल मीडियम पर डिपेंड है, डू नॉट डिपेंड ऑन सोर्स, सोर्स पर डिपेंड नहीं है स्पीड, स्पीड बिल्कुल भी। देखो ये साउंड कॉलम है, ये साउंड कॉलम है, आपने ऑन करा, ऑन करते ही आपको
आवाज सुनाई देगी, भले ही वॉल्यूम कुछ भी हो, अगर इसमें वाइब्रेशन हल्के हैं, कम वॉल्यूम है तो भी आपको सुनाई दे जाएगी, तेज वॉल्यूम पर है तो भी उतनी देर बाद सुनाई दे जाएगी। मतलब कितनी देर में वेव आप तक पहुंच रही है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं कि सोर्स कौन सी वेव जनरेट कर रहा है, कैसी वेव जनरेट कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी की जनरेट कर रहा है। सिंपल सी बात है, आपके और इस स्पीकर के बीच में एयर है, तो एयर एयर ने ही डिसाइड किया, ओनली द मीडियम, ओनली द मीडियम डिसाइड द स्पीड ऑफ वेव, सोर्स पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, सोर्स पर डिपेंड नहीं है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड हो जाएगी। साउंड अगर आप देखें, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर्स पर सेकेंड है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड इन इन आयरन मोर देन 2000 मीटर पर सेकेंड। वही साउंड अगर आप चला दें आयरन के अंदर, आयरन की किसी रॉड के अंदर या आयरन के तार के अंदर, 2000 मीटर पर सेकेंड से चलेगी वही साउंड जो साउंड आपकी एयर में चल रही 330 मीटर पर। सोर्स बिल्कुल वही का वही है, सोर्स वही का वही है। अब बहुत दूर अगर ट्रेन हो तो ट्रेन की पटरी पर आप कान रख दो, पता लग जाएगा ट्रेन आ रही वाली है नहीं, इतनी दूर के वो दिखाई भी नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि पटरी के अंदर जो ट्रेन ट्रेन के चलने की साउंड है वो 2000 मीटर पर सेकेंड से चल कर आएगी, और एयर के अंदर कहाँ से चल कर आएगी, 330 मीटर पर सेकेंड से चल कर आएगी वही साउंड, वही जो ट्रेन की खड़ 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 घट 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 हो रही है वही साउंड एयर में आएगी 330 मीटर। तो 3 × 3 3 क्या, तो 3 × 7 6 7, 6 गुने से ज्यादा हो गई, जल्दी सुनाई दे जाएगी आपको। अगर एयर लोहे की पटड़ी पर अपना कान रखते सुने तो आती हुई ट्रेन आपको दिखाई भी नहीं दे रही होगी, तब भी उसकी आवाज सुनाई दे जाएगी, 2000 मीटर दूर होगी तो भी आपको आवाज सुनाई दे जाएगी 1 सेकंड में, लेकिन एयर के थ्रू कम सुनाई देगी जबकि साउंड वही है। तो स्पीड ऑफ वेव, कोई भी वेव हो, किसी भी वेव की स्पीड हो, वो केवल केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर, कौन सा मीडियम है, किस मीडियम में वेव चल रही है, सोर्स पर कभी भी डिपेंड नहीं करती। डिफरेंट सोर्स है सेम मीडियम में तो एक साथ सुनाई देगी, जैसे कि आपका म्यूजिक होता है, आपका म्यूजिक में तबला भी है, बांसुरी भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन सबकी साउंड एक साथ सुनाई देती है हमें। क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है, सोर्स भले ही डिफरेंट होते हो।